हो, आपके पास कोई कांच वाला कमरा है? है नहीं, यहाँ लोग आते जाते हैं, बहुत लोग हैं देखो। उसी कमरे में चलो ना। ये प्रताप, देखो यहाँ कोई नहीं है। हेलो, हम गुप्ता भंडारी कल्लू भंडारी। चलो भैया हमारे द्वारे खाना बनाओ भैया, भोग के मारे छटपटा। क्यों देते हो? मैं खरी नहीं खाता। नहीं, हम तक आए थे भैया। अरे तो मेरे पास चूना कहाँ है? मजाक है ना करो भैया, देखो क्या तुझे चूना लेना है तो वो जाइए मार्केट पर मिलेगा। नहीं भैया, वो तुम्हारे लग का पटे दादी बहुत हम दिया ना भैया, मेरे पास झाड़े नौकरे झाड़ भी दादी। अरे नहीं यार, मैं खरी नहीं खाता, मेरे पास चूना नहीं है। चूना नहीं? नहीं प्रताप सुभा, चलो आओ हम चलते हैं, अब तो मुलाकात। जतने ना लड़ल बातिया गे बढ़ल, जब से ने ना लड़ल बातिया गे बढ़ल, Yeah.
दा तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह से यहां आप रोती हो जैसे कोई बला आने वाली है।
हाँ बेटा बताओ, लेकिन कोई बात नहीं है, सुनो हम हमें के अंदर आराम करते हैं और तुम लोग भी अपने अपने कमरे में आराम करो। अमर ये क्या कर रहे हो? चाहे माँ भवानी प्रताप, मैं समझ रहा हूँ। अमर ये तो बेचारा खुद ही मुसीबत का सताया हुआ है, छोड़ दो इसे। आखिर कौन है सरदार? ये प्रताप है। हाँ तुम्हारी तरह ये भी मुसीबत का मारा हुआ इंसान है, इसका भी सब कुछ सरेआम लूट गया है। साथी सारा लूटो हराम लगे रंजीत सिंह के तिजोरी का खजाना। और सरदार जी रंजीत सिंह तो भागने में सफल हो गया। वो चला गया? हाँ। तो कोई बात नहीं है, मैंने सोच लिया है। शोभा तुम बेशक रो रही हो लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो उस सराम जादे तुम्हारे पिता रंजीत से है। तुम्हें कुछ नहीं होगा सरदार जी। हाँ, मुझे नौकरी मिली इसी तबादी का। भैया ऐसी हालत है किसी ने बनाई, कौन था Yeah।
इन दोनों को इसी खंबे से जकड़ कर बांध दो। घबराओ नहीं शोभा, इन्हें कुछ नहीं होगा। मिले खंबे में इसलिए बंधवा रहे हैं जो हराम ज्यादा रंजीत आएगा और खुद अपनी हाथों से खोलेगा नहीं, ताकि वो कोई शक ना कर सके। प्रताप घबराओ नहीं, हम बहुत जल्द आएंगे तुम्हारे पास। दादाजी मुझे विश्वास है। विश्वास है? विश्वास है। तुम अपने मकसद में पूरा हो जाओगे। आओ आओ चलो चलते हैं। फिर जय भारत। बेटा प्रताप, मैं देख रहा था जाकू लोग हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है। मैं हवेली के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल गया। पूरी जान बचाकर निकलने और हम दोनों की कोई चिंता नहीं। नहीं चिंता थी, चिंता थी, लेकिन बेटा प्रताप मैं मजबूर था। लेकिन घबरा नहीं, हवेली का क्या समाचार है? सब लूट ले। क्या हवेली का सारा खजाना लूट ले गए? भैया भैया अंगरक्षक क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों को बांध दिया, नहीं तो मार देते तो हम क्या करते? बेटा प्रताप, कहाँ थे भाई? लेने आते थे। तुम कहाँ थे? अरे भैया हम कहाँ रहने, हमें वही शाम लाग रहे। बेटा प्रताप घबराओ नहीं, जो हुआ हो सो हुआ, और सराय पर उन डाकुओं को हम लोग देख लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, चलो। तो बहुत है, हमें इसके अंदर आराम करेंगे। आप सकल देख के घबराए हो, तो अभी क्यों आई? सब कमेला कहता, बुलाओ बुलाओ सेना पर प्रताप सिंह को। आज मेरे दिल इच्छा हो कि हम अपना स्टेट के जंगलों में आखिर कर ले जाओ, और तुम जेल के गेट पर कड़ी निगरानी रखना। यदि महाराज गायब हो जाएंगे तो सोच लो तुम्हारा पूरा परिवार सर्वनाश। नहीं छोटे भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं करती दूंगा, जाओ जा सकते हो। पुष्पा तुम यहीं पर आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारे साथ चलूं, मैं भी शिकार खेले और देखूं शिकार कैसे होता है। अच्छा, एक से दो जरूरी है। हाँ तो ठीक है पुष्पा, मैं चल रहा हूँ और तू अपनी तैयारी बनाकर वहां चल रहा हूँ। हाँ चलो। हम घने जंगल के अंदर देख पहुंच चुके।
करते हैं, हाँ उस घने जंगल में घुसते हैं। वो तो खुश चल जा रहा, जंगल में खुखार दे निकला। कहर सिंह ने शेर पर गोली चलाया और पुष्पा ने कहर सिंह के ऊपर गोली चलाया। कहर सिंह बेहोश पड़ा है, पुष्पा ने उसी रात से डाकुओं की गिरोह देखा तो अपने आप को कुछ नखरे करने लगी। कोई आ रहा है, मैं नखरे करती हूँ, मैं तो लोग कहेंगे इस लड़की ने इसको मारा है। एक सामने कोई नौजवान पड़ा हुआ है और साथ में एक औरत। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और कैसे घायल हुआ जो अभी निकाल दे रहा हूं। देवी जी, मैंने इनकी गोली निकाल दिया है, अब इन्हें अभी होश आ जाएगा थोड़ी देर बाद, और जब ये ठीक हो जाए तो इन्हें यहाँ से लेकर के अपने वतन चली जाना।
ठीक है, परेशान कभी नहीं भूलूंगी। मैं चल रहा हूँ। राम जादे डाकू लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, ये गोली निकाल दिया, उड़ा रहा है, लगता है ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरी जगह ही दरबार मौका काम की तो फिर से मारूंगी। गोली भी नहीं है हमारे पास, मैं दूसरी गोली मार देती राम जादे। महाराज, छोटे वाली शिकार पर गए हैं, मौका अच्छा है, इसके आप बहुत जल्द भाग जाइए यहाँ से। देखो विक्रम, ये तुम मुझे कैदखाने से बाहर कर देते हो तो कहे सिंह तुम्हारे बीवी बच्चों को समाप्त कर देगा और तुम्हें भी समाप्त कर देगा। महाराज मैं नहीं जाऊँगा, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, लेकिन महाराज मैं आज छोड़ता हूँ, आप यहाँ चले जाइए। देखो विक्रम, तुमने हमारे आदेश का पालन किया है, आज राजा तुम्हारे आदेश का पालन करेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए इस धरती पर मुझे जिंदा रहना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा।